हमारे द्वारा एक सांप पकड़ा गया था, सूचना मिली आधे घंटे के अंदर कि दूसरा भी वहाँ पर सांप आ गया है। भाई कपड़े धारती और अपने बेटे अपन के साथ रहते हैं, वहाँ पर जा रहा हूँ सांप पकड़ने। बता रहे हैं जैसे पकड़ के लाए वैसे ही कोबरा है, घोड़ा बाजार सांप है, उसको पकड़ कर इसके प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। अंधेरा हो गया है, डर हमें भी है, परंतु एक जनसेवा का जज्बा लिए हुए हम वसूल करते हैं कि सांप और इंसान का टकराव ना हो। सांप का टकराव होता है तो 100 सांप मरते हैं, 5 मानव की जान ली जाती है। और ये जान ना जाए इस बीच की कड़ी हम बनने की कोशिश करते हैं ताकि सांप और मानव दोनों सुरक्षित रहें। एक सांप हमने पहले पकड़ा है, बड़ा सांप था, करीब 8 या 9 फुट का। अभी दूसरा सांप भी देखते हैं कैसा है, कोशिश करेंगे डर को ख़त्म करने की, सांप के और इंसान के दोनों के। दूसरा सांप है, एक इसका ले गए थे हम, ये नर है, मादा हम ले गए थे। अभी विस्थापित क्षेत्र में कोबरा पकड़ के छोड़ गए, उसके बाद दोबारा सूचना मिल गई। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। ये इसको धमन रेड स्नैक या घोड़ा पछाड़ कहते हैं। ये खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसके काटने से किसी कुछ नहीं होता। ये किसानों का मित्र सांप है, अगर खेत में चूहे हैं या कोई भी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली जंतु है उसको खाता है। ये खरगोश को भी खाता है, और बाकी कभी कभी पेड़ पे चढ़ के अंडे चिड़िया कौए कुछ भी मिलता है खा लेता है। और ये बड़े आराम से आ गया पकड़ में, अब इसको भी इसके प्राकृतिक आदत छोड़ जाएगा। अरे ये लो भाई जी, वो जोड़ा ये देखिए तुरंत पकड़ा करो। अभी मेरे द्वारा पकड़ा गया, अब इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ में इसको थोड़ा अंदर छोड़ा था, क्या छोड़ा जा रहा है ताकि ये भी अपने जोड़े से मिल सके। बहुत प्यार है इस जोड़े में कि जिस जगह से मैंने वो सांप पकड़ा, माला पकड़ी, ये नर भी वहीं पर आकर बैठ गया था, आराम से हाथ में आ गया। पहली बार देखा इतना प्यार कि पत्नी के लिए पति भी हमारे चुंगल में फंस गया कि भाई मेरी धर्मपत्नी जहाँ छोड़ी है मुझे वहाँ छोड़ दो। अब ये देखिए इसको भी छोड़ा जा रहा है, इसके प्राकृतिक वास में अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए छोड़ा जा रहा है। चला गया, इंसानों में तो प्यार नहीं रहा, मैंने आज सांपों में भी प्यार देख लिया कि सांप भी अपनी महबूबा से मिलने वहीं पर आ गया था जहाँ पर हमने पहला उसका महबूबा पकड़ी थी, और महबूब भी वहीं से पकड़ कर उसको भी प्राकृतिक वास में छोड़ दिया।